Hello, dear learners. Welcome to Teaching Learning Session of Research. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? एक्चुअली जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो दो तरह से सैम्पलिंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है? इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव नोन चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन सैंपल. मतलब पता नहीं है कि उनका सिलेक्शन सैंपल में एज अ सैंपल होगा या नहीं होगा, राइट? और बेसिकली जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है वो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए करते हैं. जब भी हमें एक्सप्लोरेटरी टाइप की रिसर्च करनी होती है तब हम प्रेफर करते हैं कि सैंपलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप की हो. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग चार तरह से होती है. कन्वीनियंस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जजमेंटल नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग, राइट? जबकि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है. सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. एंड क्लस्टर सैंपलिंग भी हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में लेते हैं, राइट? तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ऑलरेडी हम इन चारों टाइप की सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आप उस वीडियो में जाके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देख सकते हैं और उसका लिंक, इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आज हम बात करते हैं पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग का. जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है ना वो हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को क्विकली असेस करने के लिए. इफ वी वांट अ क्विक इंफॉर्मेशन और इनएक्सपेंसिवली जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तब हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग पे जाते हैं, राइट? सिर्फ इसमें क्या क्राइटेरिया होता है? द ओनली क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट इन दिस स्कीम इज कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर. कि रिसर्चर को कितना कन्वीनियंट है, कितने कन्वीनियंटली जो रिसर्चर है वो अपना सैंपल इकट्ठा कर सकता है, राइट? और ये बहुत ही क्विक और इनएक्सपेंसिव तरीका होता है सैंपल कलेक्ट करने का, राइट? इन दिस डिजाइन द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड द सैंपल वैल्यू इज अननोन बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. That's why we cannot estimate the sampling error. क्योंकि जो population जो हमारा value of interest है population का और जो हमारा sample value है उनका difference हम बता नहीं सकते हैं. उनके magnitude का difference, उनका direction हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये convenient sampling है ना. तो इसलिए हम sampling error जो है इसमें calculate नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितना sampling error होता है. और जब हम sampling error किसी चीज का calculate नहीं कर सकते ना तो हम उसके result को generalized भी नहीं कर सकते हैं, राइट? इसीलिए रिसर्चर वॉन्ट बी एबल टू मेक कंक्लूसिव स्टेटमेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ सच सैंपल. एस्टिमेट नहीं कर पाए सैंपलिंग एरर को. हम इस तरह की जो कन्वीनियंस सैंपलिंग से जब हम रिसर्च करते हैं तो हम एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि यस जो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ है, हम उसे कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है. Convenience sample should not be used in conclusive research, right? That is descriptive or causal research में हम इसे use नहीं कर सकते हैं. If we want to find out the relationship की dependent or independent variable की stress का impact जो है वो job satisfaction पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, we are not confident. तो ऐसे research में हम convenience sampling को use नहीं करते हैं. Commonly जो convenience sampling है वो use करते हैं हम exploratory रिसर्च में, राइट? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इसे यूज करते हैं क्योंकि जस्ट टू गेन द इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम एंड जनरेट अ सेट ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच कुड बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च. हमें एक इनसाइट मिल जाता है प्रॉब्लम का एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम हाइपोथेसिस जनरेट कर पाते हैं जो कि फिर हम कंक्लूसिव रिसर्च के थ्रू उसको
टेस्ट कर पाते हैं, राइट। तो कन्वीनियंट सैंपलिंग इजीएस्ट वे होता है सैंपल कलेक्ट करने का। सिर्फ एक इसमें सबसे अच्छा पैरामीटर क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर, कि रिसर्चर की पहुंच कहाँ तक है, हम वहां तक अपना डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई मुझे डाटा सिलेक्ट करना है, 100 लोगों का डाटा सिलेक्ट करना है, तो जो मेरे आसपास में 100 लोग मुझे जानने वाले हैं, मैं उन्हीं से डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो मेरे पॉपुलेशन में आते हैं या नहीं आते हैं, वो मेरा सैंपल ठीक, वो मेरे को मेरे पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह का जो सैंपल होता है वो होता है हमारा कन्वीनियंस सैंपल। दूसरा सैंपलिंग जो होता है वो होता है जजमेंटल सैंपलिंग। अब इस जजमेंटल सैंपलिंग में क्या होता है, इन दिस सैंपलिंग एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड चूज व्हाट दे बिलीव टू बी द बेस्ट सैंपल फॉर स्टडी इन क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पे हम जो एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड के, हम उन्हें उनसे उन्हें अपना सैंपल साइज बना लेते हैं और उन्हीं से जब हम क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं के जो राय होती है उसके बेसिस पे हम अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं, राइट। दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज पजेस्ड बाय द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। जब वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के पास जो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सबके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ ही लोगों के पास अवेलेबल है, तो ऐसे टाइम पे हम जजमेंटल सैम्पलिंग करते हैं, राइट। इट मे नॉट एम्पिरिकली प्रोड्यूस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट एंड हेंस कर्टेल जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। ऐसी फाइंडिंग्स को ना हम कभी भी जनरलाइज्ड नहीं कर पाते हैं, कि हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाते हैं कि हाँ भाई ये जो हमने रिजल्ट्स आए हैं उन्हें हम जनरलाइज कर देंगे, कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जो जजमेंटल सैंपलिंग है ना वो नॉर्मली हम बी टू बी मार्केटिंग में करते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे कोई एक फर्म है, राइट, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है या कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ नया हमारी जो है नया प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमें लाना है, तो वो उसके लिए हम जो है एक्सपर्ट की राय लेते हैं उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो सैम्पल्स होते हैं वो हम हमारा जो बेस होता है वो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है अकॉर्डिंगली हम उसे चेंज करते हैं। तो बी टू बी इंडस्ट्री में जजमेंटल सैंपलिंग जो है वो बहुत यूज होती है, बट अगेन हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकती है। तीसरी टाइप की जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ डिजायर्ड पॉपुलेशन। जब ये हमें मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि जो हमें सैंपल चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड पॉपुलेशन है वो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। इन दिस डिजाइन ईच रिस्पोंडेंट आफ्टर बींग इंटरव्यूड इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई वन और मोर इन दिस फील्ड। इसमें हम सैंपल, एक सैंपल अगर हमें मिल गया कि हाँ ये वो सैंपल है जिसपे हम अपना डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल मैं डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ ऐसे पेरेंट्स से जिनके ट्रिपलेट्स हैं, जिनके मतलब ट्विंस तो नॉर्मली हो जाते हैं, ट्रिपलेट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जिनके ट्रिपलेट्स हैं, या फिर एक मैं सैंपल कलेक्ट करना चाहती हूँ ऐसे से जो मान लीजिए डीप सी डाइवर्स है उनका सैंपल मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो डीप सी डाइवर्स या ट्रिपलेट्स वाले कपल्स बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे अगर मुझे एक ट्रिपलेट कपल मिल गया जिसके ट्रिपलेट्स हैं, तो वहाँ पे मैं उनसे ही पूछूंगी, प्लीज कैन यू टेल मी समवन जिनके और ट्रिपलेट्स हो आपके नोन में। अगर वहां से मुझे कोई लिंक मिलता है तो फिर वो मेरे लिए, वो जो रिस्पोंडेंट मुझे लिंक देता है, फिर मेरा वो सैंपल बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा in this design each respondent after being interviewed is asked to identify one or more in the field, so that is तरह से चेन बनती है और सैंपल कलेक्ट होता है। इन दिस इट इज डिफिकल्ट टू गेट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एट टाइम्स। इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हमने रिक्वायर्ड सैंपल जो है वो मिल पाए, स्नोबॉल सैंपलिंग, राइट। तो सैंपल साइज एक्चुअली इसमें बहुत बार बहुत छोटा रह जाता है, राइट। और हाँ, ठीक से रिप्रेजेंट करे उसका भी कुछ
कह नहीं सकते हम, तो ये एक लिंक से ही सही समझो। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, ये लिंक की चेन चलती है। अगर हमें एक सैंपल मिल गया तो उनके लिंक से ही हम दूसरे सैंपल्स तक पहुंच सकते हैं, दिस इज स्नोबॉल सैंपलिंग। फोर्थ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, इन दिस डिजाइन द सैंपल इंक्लूड्स मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच स्पेसिफिक सब ग्रुप इन द पॉपुलेशन, राइट। जो हम इसमें हम जो मान लीजिए कि मुझे एक 200 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसमें मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में मैंने फिर सब ग्रुप्स बना दिए, जैसे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी एम्प्लॉयज का, राइट। और उस ग्रेड सी में, ग्रेड ए में 10% एम्प्लॉयज है, ग्रेड बी में 20% एम्प्लॉयज है, ग्रेड सी में से 15% एम्प्लॉयज है, और ग्रेड डी में 40% एम्प्लॉयज एंड सो ऑन, ठीक है। इतने एम्प्लॉयज मेरे पास हैं ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी का। अगर मुझे उनमें से 200 का सैंपल कलेक्ट करना है, राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे अकॉर्डिंगली अपना कोटा निकालना पड़ेगा, जो हम सैंपल साइज से एस्टिमेट करेंगे कि मुझे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड एम्प्लॉय का कितना कितना सैंपल लेना है। उस सैंपल में क्या करूंगी मैं, उस सैंपल में असाइन कर दिया जाएगा रिसर्चर को कोटा फ्रॉम ईच क्लास इन सच ए वे दैट टोटल सैंपल इज सिलेक्टेड इन सेम प्रोपोर्शन एज पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे ए ग्रेड एम्प्लॉयज के 20 डाटा चाहिए, बी के 35 चाहिए, सी का 40 चाहिए, डी का जो रिमेनिंग बचा मान लीजिए 30 है तो वो चाहिए, तो उसमें से मैंने ये सब पॉपुलेशन जो हमारा मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ए बी सी डी में से मुझे कितना कितना सैंपल साइज चाहिए। अब इसमें रिसर्चर जो है, रिसर्चर असाइन द कोटा फ्रॉम ईच क्लास इन सच अ वे दैट टोटल सैंपल इज सिलेक्टेड इन सेम प्रोपोर्शन एज पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब हम सैंपल साइज को एस्टिमेट कर लेंगे जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने अपना सैंपल साइज तो एस्टिमेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब ग्रुप। अब द इन्वेस्टिगेटर में चूज द एम्प्लॉयज फ्रॉम ईच क्लास एज कन्वीनियंटली अवेलेबल। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 20 जो है डेटा चाहिए ग्रेड ए एम्प्लॉयज का, राइट। वहां पे ग्रेड ए एम्प्लॉयज का मुझे 20 चाहिए, तो वहां से मैंने जो मेरे को कन्वीनियंटली एम्प्लॉयज अवेलेबल थे, जो भी एम्प्लॉयज कन्वीनियंटली अवेलेबल था उसे मैंने चूज कर लिया कि मान लीजिए मुझे ए ग्रेड चाहिए, ए ग्रेड एम्प्लॉयज चाहिए, तो जो भी मुझे ए ग्रेड का एम्प्लॉय कन्वीनियंटली अवेलेबल हुआ या बी ग्रेड का कन्वीनियंटली अवेलेबल हुआ उसे मैंने चूज कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि ये जो सैंपल है ये टोटल रिप्रेजेंटेशन करे पॉपुलेशन का, और इस जब ये टोटल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा पॉपुलेशन का तो हम उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज भी नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इट इज डिफिकल्ट टू जनरलाइज द रिजल्ट जो हम ऑब्टेन करते हैं कोटा सैंपलिंग से। जो भी हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन से जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी हम सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक्चुअली जरूरी नहीं है पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन करता हो। इसीलिए जो रिजल्ट्स हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से आते हैं उन रिजल्ट्स को हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, राइट। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम यूज करते हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।